जब इलेक्शन होता है, जो शराब बटा जाता है, जो मांस बटा जाता है, जो पैसा बटा जाता है लोगों को, और जो उनको जो लोभ दिखाया जाता है, वो पैसा कहाँ से लाते हैं? जनता से तो नहीं लाते, वो ला रहे हैं कहाँ से? वो कॉरपोरेट हाउस अंबानी दे रहा है बीजेपी को, और भी कोई भी पूंजीपति देता है कॉरपोरेट हाउस देते हैं अलग पार्टी से, अलग अलग पार्टी से देते हैं। क्या पढ़ते हो, साइंस है या आर्ट्स? बताओ। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट। आप कॉमर्स कर जो, एक बार बताओ, आपने तो ऐसे सरकार को चुन लिया है जो कहता है इंजीनियर बन रहे, एक मिनट लिसन, आपने तो ऐसे को चुन लिया है जो कहता है कि अब इंजीनियरिंग करने के लिए गणित और फिजिक्स की जरूरत ही नहीं है। क्या इस दुनिया का पागल से पागल आदमी बोलेगा कि बिना गणित और फिजिक्स पढ़े कोई रोड पुल बना सकता है? ये तो सही है। जो वो पुल बनाएगा बिना मैथमेटिक्स और बिना फिजिक्स पढ़ने वाला, जो पढ़ के बना रहा है तब तो पुल गिर जा रहा है क्योंकि कमीशन में, और जो बिना पढ़ के बनाएगा वो क्या पुल बनाएगा, देश का क्या विकास करेगा? ये बहुत ही अच्छा बात आपने बोले। जेंटलमैन, वन मिनट, यू आर टॉकिंग अबाउट द साइंस, योर प्राइम मिनिस्टर टॉकिंग अबाउट द गैस कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम द सीवेज, पाइप डालो नाले में, गैस लो और चाय बना लो, ऐसा साइंटिस्ट इस देश की जनता ने चुना है। तो इनके बच्चे क्या पढ़ेंगे ये इनको अच्छी तरह से पता है। अगर आप जिसको चुनते हो वो अगर काम नहीं करते, यही तो बात बोल रहे हैं, हम चुनते नहीं हैं, चुनने के लिए हमें रटाया जाता है कि इसको वोट दो, इसको वोट दो, यही आपका नेता है, यही आपका नेता है। लेकिन अभी जो हाल है, अभी आंदोलन का, ये आंदोलन का जो माहौल है, ये तो गांव गांव में फैल नहीं रहे। क्यों नहीं फैल रहे? जो मोदी का चर्चा कर रहा था उस टाइम, अभी वो सब सस्ता, वो जो मीडिया है अभी तो इसका आंदोलन का चर्चा नहीं करे। अगर इस आंदोलन का चर्चा करते, कहाँ से आए? उड़ीसा से। कब आया यहाँ पे? मैं इस महीने। कब से है किसान आंदोलन में? इस महीने 12 तारीख को मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा, तो आप किसानों के सपोर्ट में आए हैं? आप खुद क्या करते हैं? मैं छात्र राजनीति करता हूँ। छात्र राजनीति करते हैं, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन करता हूँ। अच्छा, मेरा एक सवाल था कि जो 2 फरवरी 1931 की, मैं पता नहीं आपने सुना या नहीं सुना, मैं कहता हूँ भगत सिंह अपने फांसी से 1.5 महीने पहले लिख के गए थे कि जागीरदारों से आज़ादी जब तक किसानों की नहीं होगी, किसानों का जब तक ऋण माफ़ी नहीं होगा, किसानों को जब तक उचित मूल्य नहीं मिलेगा, अपने फांसी से 1.5 महीने पहले वो लिख के गए थे। बात भगत सिंह ने बोले थे, वो उनका पार्टी का नाम HRA से HSRA रखे, जो एस का मतलब है सोशलिस्ट, इसका मतलब वो जान चुके थे। अगर हमारे देश में हमारे देश दो भाग में बटा हुआ है, एक है पूंजीपति वर्ग और एक है मजदूर किसान और जो आम जनता है, उनकी आज़ादी के पीछे जो लक्ष्य था वो अलग था, और जो पूंजीपति थे उनका भी अलग था। वो पूंजीपति चाहते थे कि गोरे जाएंगे तो हम देश का मार्केट को ले सकते हैं, और आम जनता जो मजदूर वर्ग के थे वो उनका आज़ादी के पीछे लक्ष्य यही था कि अगर आज़ादी होगा तो मनुष्य के ऊपर मनुष्य का अत्याचार जुल्म का ख़त्म होगा, और जो राजनीतिक अर्थनैतिक सांस्कृतिक सब तरह की जो आज़ादी हमें मिलेगा। लेकिन वो ये भी बोल गए थे, अगर हमारे देश के जो पूंजीपति वर्ग का जो पॉलिटिकल मैनेजर है, जो कांग्रेस था, अगर उसके हाथ में सत्ता आया तो वो उसी ही हाल होगा आज़ादी के बाद भी जो अंग्रेजों के समय था, और वो हम अभी देख रहे हैं। शिक्षा अभी तो कांग्रेस नहीं है, हम कांग्रेस नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस के ये जो हम जो सत्य जो इलेक्शन होता है, आप अभी भी बोल रहे थे इलेक्शन में हम चुनते हैं, कौन हम चुनते हैं? वो जो मीडिया है, मीडिया में तो उस नाम को हमें रटा जाता है, लेकिन जो और जो अच्छे काम करते हैं, ये जो अभी जो आंदोलन चल रहा है इसका तो प्रचार नहीं है, प्रचार के माध्यम से लोगों के अंदर घुसा जाता है, घुसाया दिया जा रहा है कि यही आपका मंत्री होगा, यही आपका प्रधानमंत्री होगा, आप उसको चुनो। तो ये जो चल रहे हैं ये किसके आधार पर चल रहे हैं, ये बहुत आसानी से आप सब लोगों को पता चल जाएगा कि ये पूंजीपति के स्वार्थ में काम कर रहे हैं। कैसे? जब इलेक्शन होता है, जो शराब बटा जाता है, जो मांस बटा जाता है, जो पैसा बटा जाता है लोगों को, और जो उनको जो लोभ दिखाया जाता है, वो पैसा कहाँ से लाते हैं? जनता से तो नहीं लाते, वो ला रहे हैं कहाँ से? वो कॉरपोरेट हाउस अंबानी दे रहा है बीजेपी को, और भी कोई भी पूंजीपति देता है कॉरपोरेट हाउस देते हैं अलग अलग पार्टी से देते हैं। इनसे तो चलता है देश, सुई से लेकर के बड़े बड़े कंपनी तक, अदानी अंबानी टाटा बिरला सब बना रहे हैं। अभी शिक्षा और जो हमारे जो मतलब
शिक्षा स्वास्थ्य जैसे जो हमारे सेवामूलक संस्था है उनको भी बेचा जा रहा है। व्हाट लिसन टू मी, आपने आपने सुनो एक बट, आपने कहा कि क्रिमिनलाइजेशन की बात करी पॉलिटिक्स में, एनएन बोहरा की रिपोर्ट आई थी 92-93 में, लिसन टू मी, आपने कहा किसी ने क्यों नहीं उस पर संज्ञान लिया, किसी को कोई क्यों इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया, चाहे कांग्रेस हो चाहे आज बीजेपी हो। मोदी जी बोल के आए थे कि एकदम मैं तो एकदम झाड़ू लगा दूंगा, आज जितने जितने भी क्रिमिनल्स हैं अगर किसी को कोई कहीं जगह ना मिले तो जाके बीजेपी में शामिल हो जाए, बोल के आए थे ना मोदी जी? आए थे। तो अगर आप जिसको चुनते हो वो अगर काम नहीं करते, यही तो बात बोल रहे हैं, हम चुनते नहीं हैं, चुनने के लिए हमें रटाया जाता है कि इसको वोट दो, इसको वोट दो, यही आपका नेता है, यही आपका नेता है। लेकिन अभी जो हाल है, अभी आंदोलन का, ये आंदोलन का जो माहौल है, ये तो गांव गांव में फैल नहीं रहे। क्यों नहीं फैल रहे? जो मोदी का चर्चा कर रहा था उस टाइम, अभी वो सब संस्था, वो जो मीडिया है, अभी तो इसका आंदोलन का चर्चा नहीं करे। अगर इस आंदोलन का चर्चा करते तो भी ऐसा हाल होता, वो कब से यहाँ से निकल चुके होते। एक मिनट, रटाया तो इसको जा सकता है। आप अभी 60% जो पॉपुलेशन है करंटली इंडिया का, वो 20 से 30 सालों के नौजवानों का है, तो आपकी जिम्मेवारी नहीं है कि आप उस रटाने वालों को एक्सपोज करो? हमारा तो जिम्मेदारी है, लेकिन हमें जो शिक्षित बोल रहे हैं, हमारे देश में अभी ऐसे भी लोग हैं सिर्फ उनको साइन सिग्नेचर करना आता है। शिक्षित मतलब उनका जो बौद्धिक शिक्षा होना चाहिए, जो हमारे अभी तो देश में पास फेल हटा दिया गया है, वो फेल क्लास वन में भर्ती होगा और सिर्फ बाहर निकल जाएगा 8th क्लास से, वो उसको बोल रहे हैं हम शिक्षित। आपने क्या पढ़ते हो, साइंस है या आर्ट्स? बताओ। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट। आप कॉमर्स कर जो, एक बार बताओ, आपने तो ऐसे सरकार को चुन लिया है जो कहता है इंजीनियर बनने के, एक मिनट, लिसन, आपने तो ऐसे को चुन लिया है जो कहता है कि अब इंजीनियरिंग करने के लिए गणित और फिजिक्स की जरूरत ही नहीं है। क्या इस दुनिया का पागल से पागल आदमी बोलेगा कि बिना गणित और फिजिक्स पढ़े कोई रोड पुल बना सकता है? ये तो सही है। जो वो पुल बनाएगा बिना मैथमेटिक्स और बिना फिजिक्स पढ़ने वाला, जो पढ़ के बना रहा है तब तो पुल गिर जा रहा है क्योंकि कमीशन में, और जो बिना पढ़ के बनाएगा वो क्या पुल बनाएगा, देश का क्या विकास करेगा? ये बहुत ही अच्छा बात आपने बोले। ये जो है, हम उसको बोलते हैं फांसीवादी राष्ट्र, और फांसीवादी का ये एक नेता है। फांसीवाद का मतलब हम जो समझते हैं, और एक उसका मतलब होता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा प्रगति के लिए, और सोच में क्या चाहेगा, हमें चाहिए साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड, उसको नहीं देंगे। वो बोल रहे हैं कि आप एक विश्वास के आधार पर चलिए। जेंटलमैन, वन मिनट, यू आर टॉकिंग अबाउट द साइंस, योर प्राइम मिनिस्टर टॉकिंग अबाउट द गैस कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम द सीवेज, पाइप डालो नाले में, गैस लो और चाय बना लो, ऐसा साइंटिस्ट इस देश की जनता ने चुना है, तो इनके बच्चे क्या पढ़ेंगे ये इनको अच्छी तरह से पता है। आप साइंस की बात करते हो, एक देश के संवैधानिक सबसे बड़े पद पे बैठ के, और कोई बोले कि नाली के गैस से पाइप डालो और चाय बना लो, तो अच्छी बात है ना, रोजगार सब करो, इसी नाले के पीछे सब बैठ जाए, घर भी वहीं ले ले, घर में गैस आएगा। आपने क्वेश्चन करा ना, यू आर गुड आंसर, वेरी बैड। आपने क्वेश्चन करा, मैंने टोटल से पेते हूँ, मोदी को ना तो वोट दी ना दे मैं, अब सुन तो लो जैसा, हाँ नहीं, वेरी गुड। अब मैं एक बात बता दूँ आपसे, एक ही, जैसे आप घर में कहकर मुखिया हो, वेरी गुड, अरे हमारी बेटी है, बेटे सभी है, इस नंबर बंद कर दो, जैसे तुम जल्दी मार देंगे, हमारी डेढ़ बात हो गई, और खुली मोदी से या अमित शाह से खुली बता देने को तैयार है। अमित शाह देश थोड़ी है, देश भारत वही रहेगा, कितने अमित शाह मोदी आएंगे जाएंगे। तो कुल मिला के जो बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी कि 2 फरवरी 1931 को जो भगत सिंह ने किसानों के बारे में लिखा था, ठीक अपने फांसी से 1.5 महीने पहले जब वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बिंदुवार तरीके से बातें रख रहे थे, एजेंडा सेट कर रहे थे, और जो किसानों की बात उन्होंने तब रखी थी, 90 साल बाद भी किसान शहीदी दिवस यहाँ पे बैठे हुए हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं अपने शहीदों को, लेकिन मांग आज 90 साल के बाद भी वही की वही है। तो क्या इन किसानों के लिए क्या आज़ादी, इनको न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग आज भी है, उस वक्त भी भगत सिंह ने कहा था जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो आज हम जब आज़ाद में खड़े हैं,
आज़ाद हिंदुस्तान में खड़े हैं, लेकिन गांधी जी की फिर वही बात, वो सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन था, आज़ादी नहीं थी जो गांधी जी ने कहा था। नमस्कार।